तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। देखो, हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो मैं तुम लोगों को बता दूं कि मोशनल ईएमएफ में मैंने एक ऐसा वायर लिया था जिस वायर को मैंने इधर मूव करा दिया था। कुछ वेलोसिटी लॉसिटी ली थी इनिशियली, कुछ वेलोसिटी देने के बाद, और वेलोसिटी द फंक्शन ऑफ टाइम वाला केस तुमने कैलकुलेट किया था। वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया था और एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन आया था, ठीक। उसके ही आगे ये केस है, इन्हें बहुत ध्यान से समझना है और समझदारी से काम को करेंगे। देखो, एक मैंने ये वायर फ्रेम लिया है, एकदम हॉरिजेंटल है ये सेटअप, ठीक है। हॉरिजेंटल टेबल पर रख दिया, उसके परपेंडिकुलर एकदम ऐसे समझो कि हॉरिजेंटल टेबल पे ऐसे रखा हुआ है वायर फ्रेम, और ये वायर है जो कि स्लाइड कर सकता है, ए बी वायर स्लाइड कर सकता है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड एकदम अंदर की तरफ है, ए बी वायर है, इसकी लेंथ फोर्स लगा रहे हैं इस पर कॉन्स्टेंट, इसको स्लाइड करा रहे हैं, ठीक है। फोर्स लगाएंगे कॉन्स्टेंट, मान लो 10 न्यूटन का कॉन्स्टेंट फोर्स लगा दिया। ए बी वायर, इसका मास एम, लेंथ एल है, ये एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये एक लूप कंप्लीट होगा, ये वायर फ्री है, यहाँ जा सकता है, आगे जा सकता है, ठीक। तो अब इस बात को समझते हैं कि इसमें वेलोसिटी द फंक्शन ऑफ टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत ध्यान से समझना, अच्छा है, बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो ईजी लगेगा, ठीक है। देखो, तुम इस पर लगाओगे फोर्स, ठीक। फोर्स लगाओ, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं, ठीक। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सीलरेशन आएगा। अब वो एक्सीलरेशन स्पीड को बढ़ाएगा इसकी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी। अब वेलोसिटी बढ़ेगी, दूसरी बात, ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, तो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो एक मोशनल ईएमएफ आएगा। वेलोसिटी आएगी, फिर मोशनल ईएमएफ आएगा, मोशन की वजह से वीबीएल होता है और उसकी वजह से करंट आएगा, क्योंकि ये क्लोज लूप बन जाएगा ये ना, ये क्लोज लूप बनेगा तो एक करंट आएगा, वो वीबीएल ओवर आर आ जाएगा, इस रेजिस्टेंस का आर, बाकी सर्किट का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, करंट आ गया। अब ये करंट कह रही कंडक्टर बन जाएगा और वो भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो करंट कह रही कंडक्टर पे लगता है फोर्स, तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और करंट किधर आएगा, मोशनल ईएमएफ की डायरेक्शन से करंट ऐसे करके बनेगा, करंट ऐसे बनेगा तो आई एल क्रॉस बी फोर्स आएगा इधर, ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स आएगा और मैग्नेटिक फोर्स होता है बी आई एल, आई की वैल्यू रखो, वी स्क्वायर वी एल स्क्वायर ऊपर आर, इतना फोर्स लगेगा। अब तो इस फोर्स को देखो, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, बी कॉन्स्टेंट, लेंथ कॉन्स्टेंट, रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये सब तो कॉन्स्टेंट है, स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ेगी तो ये फोर्स बढ़ेगा, और ये फोर्स बढ़ेगा तो एक बात समझो कि पहले ये मान लो 10 न्यूटन था, ये जीरो था, जीरो से बढ़ के ये वन हुआ, वन से टू, स्पीड तो बढ़ती जाएगी लगातार जब तक ये फोर्स ज़्यादा होगा, ये फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो स्पीड बढ़ती जाएगी, तो मैग्नेटिक फोर्स मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते कहीं तो आके ये मैक्सिमम होगा, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे फोर्सेस बराबर हो जाएंगे तो उस समय मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी, और मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी फिर क्या होगा, ये फोर्स बराबर, तो बराबर हो जाएंगे तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो उसके बाद फिर कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करेगा, वो वाली मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड निकालने का तरीका क्या होगा कि एफ इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर वी मैक्सिमम इंटू एल स्क्वायर ओवर आर, तो वी मैक्सिमम कितना आ जाएगा, एफ आर ओवर वी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी। अब हमको निकालना है कि स्पीड इज द फंक्शन ऑफ टाइम, स्पीड इज द फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, उसको कैसे निकालेंगे, उस पर थोड़ी सी तुमको मेहनत करनी होगी, ठीक है। अब देखो, ये मैक्सिमम स्पीड आ गई, उसके बाद ये फोर्स तो अपना 10 न्यूटन है ही, ये भी 10 हो गया, तो फिर नेट फोर्स हो गया जीरो, फिर उसी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, ये वाला 10 रहेगा और ये तो 10 है ही है, ठीक है, तो नेट फोर्स, तो ये वो मैक्सिमम स्पीड है। अब ये मैक्सिमम स्पीड मान लो 100 हो गई, तो जीरो से बढ़ के 10 होगी, 10 से 20 होगी, 100 तो बाद में होगी ना, तो स्पीड इज द फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट करना है। तो वो टाइम का फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, हम करेंगे एफ नेट, एफ नेट, ठीक, नेट फोर्स एट एनी इंस्टेंट, नेट फोर्स एट एनी इंस्टेंट कितना होगा, एफ नेट इज इक्वल्स टू एफ माइनस एफ एम, इसको लिखा जाएगा एम ए, तो एम ए को एम डी वी ओवर डी टी लिख ले, एफ माइनस किसी भी टाइम पे
मैग्नेटिक फोर्स कितना है, बी स्क्वेयर वी एल स्क्वेयर ओवर आर। ठीक, एलसीएम एलसीएम ले लो तो एफ आर माइनस बी स्क्वेयर वी एल स्क्वेयर ओवर आर। ठीक है, अब वी वाला टर्म इधर कर लो तो आ जाएगा डी वी ओवर एफ आर माइनस बी स्क्वेयर वी एल स्क्वेयर। ठीक है, इज इक्वल्स टू वन ओवर एम आर और डी टी, और इंटीग्रेट करेंगे टी इक्वल्स टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो, टाइम टी पर वेलोसिटी हो गई वी। अब काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन इस इक्वेशन के बाद हो गया। काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, देखो एफ आर माइनस, बाकी सब कुछ ओके है बिल्कुल, एलसीएम ले लिया तो एफ आर माइनस बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर को मान लो कुछ भी अपनी तरफ से एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये वी मैक्सिमम जो भी आया एफ आर ओवर बी स्क्वायर एल स्क्वायर, इसको मैं साइड में लिख लूं, वी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू आया एफ आर ओवर बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, अब तुम इसको देखो कि अगर ध्यान से इसको देखा जाए तो अपनी तरफ से मान लो लेट एफ आर माइनस बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर को मान लो एक्स जीरो माइनस बी स्क्वायर वी वेरिएबल है डी वी एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स, तो डी वी की जगह क्या लिखोगे डी एक्स ओवर माइनस का बी स्क्वायर एल स्क्वायर, और इसकी जगह तो देखो इधर क्या होगा, मैं साइड में इंटीग्रेट ही कर लेता हूँ, डी वी की जगह लिख दिया माइनस का डी एक्स ओवर बी स्क्वायर एल स्क्वायर, और नीचे क्या है, और नीचे इस पूरे की जगह लिखा एक्स। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते माइनस का वन ओवर बी स्क्वायर एल स्क्वायर, वन ओवर एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स, और इसको क्या लिख सकते माइनस वन ओवर बी स्क्वायर एल स्क्वायर एल एन एक्स की वैल्यू हो रही, दिस इज एफ आर माइनस बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर। ठीक है, अब तुम देखो माइनस का, अब इस इक्वेशन को लिख लो माइनस का वन ओवर बी स्क्वायर एल स्क्वायर एल एन एफ आर माइनस बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर, इसकी लिमिट्स जीरो से वी, और उधर इंटीग्रेट किया तो आया वन ओवर एम आर, ऐसे ही टी की लिमिट्स जीरो से टी। ठीक है, अब देखो इसको इधर भेज देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिमिट्स लगाओ, पहले वी लगाओगे तो पूरा ऐसे ही मिलेगा, जीरो लगाओगे तो नीचे एफ आर मिलेगा, तो एफ आर माइनस बी स्क्वायर बी एल स्क्वायर, बाकी माइनस करके आएगा तो वो डिवीजन में आ जाता है, जीरो रखोगे यहाँ तो नीचे डिवीजन केवल एफ आर आएगा, बाकी ये पूरा इधर ट्रांसफ़र करो तो आया माइनस का बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी ओवर एम आर। एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग ले लें, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, एंटी लॉग ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो तो एंटी लॉग लेने पे एफ आर माइनस बी स्क्वायर बी एल स्क्वायर ओवर एफ आर इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी ओवर एम आर, वन माइनस बी स्क्वायर बी एल स्क्वायर ओवर एफ आर इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी ओवर एम आर, और बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर ओवर एफ आर उधर कर लिया, वन माइनस ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर एम आर इंटू टी, तो वी इज इक्वल्स टू आ जाएगा एफ आर ओवर बी स्क्वायर एल स्क्वायर वन माइनस ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर एम आर इंटू टी। दिस इज वेलोसिटी द फंक्शन ऑफ टाइम, देखो ध्यान से,
दिस इज द वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, बेसिक इंटीग्रेशन है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की मैंने, बस पसीना आ गया है गर्मी की वजह से। सिंपल इंटीग्रेशन है, अगर सही से इक्वेशन समझ में आए। देखो एक बार फिर से समझा देते हैं, नेट फोर्स क्या है, आगे एफ लग रहा है, पीछे एफ एम लग रहा है। ठीक, एफ तो वही है, एफ एम की वैल्यू बो रही। ठीक है, वी वाला फंक्शन है, डी वी की तरफ लेके आए पूरा, डी टी वाला इधर कर लिया, कॉन्स्टेंट बाहर कर लिया, डायरेक्ट हो नहीं सकता तो अपनी तरफ से इसको एक्स मान लिया। ठीक है, एक्स मान लिया तो भाई डी एक्स भी चाहिए, तो डिफ्रेंशिएट करके करते हैं, वो तो इंटीग्रेशन का बेसिक रूल है। यहाँ रखा वैल्यू को और फिर ये मिल गया, इसी में लिमिट्स लगाना शुरू कर दी, इस वैल्यू को उठा के सीधे यहाँ रख दिया, इसका इंटीग्रेशन होके आया ये। ठीक है, तो लिमिट्स जीरो से वी, इधर टी वन का इंटीग्रेशन डी टी के रिस्पेक्ट में टी आया, लिमिट्स लगाई ये आया, एंटी एंटी लॉग लिया ये आ गया। अब एक बात समझो कि जो वेलोसिटी है, और अच्छे से लिखा जाए तो ये वेलोसिटी जो आई ना, किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी या स्पीड कह सकते हो, वी मैक्सिमम वन माइनस ई की पावर टी ओवर टाउ, ये उस टाइप की इक्वेशन है जैसे तुमने वो वाली इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं कैपेसिटर वाली, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाली। यहाँ ब्रैकेट के बाहर मैक्सिमम वैल्यू आती है, जो इधर होता है अगर आई होता है तो आई मैक्सिमम, क्यू होता तो क्यू मैक्सिमम, वी वोल्टेज होता तो वोल्टेज मैक्सिमम, बाकी ई की पावर माइनस टी ओवर टाउ। तो मैं टाउ बता देता हूँ यहाँ क्या है, टाउ इज इक्वल टू यहाँ पे है, दिस इज एम आर ओवर बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज टाउ, दिस इज टाइम कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये वाला केस हो गया, दिस इज द स्पीड इज द फंक्शन ऑफ टाइम। अगर तुम इसका प्लॉट करो, ठीक है, तो प्लॉट मैंने बहुत तुमको सिखाए हैं कैपेसिटर वाले में, ऐसी वाली इक्वेशन का प्लॉट ऐसा आता था, दिस इज वी, दिस इज वी एंड दिस इज टी। सबसे पहले देखो टी इज इक्वल टू जीरो पे, ई की पावर जीरो की वैल्यू वन, तो स्पीड कितनी हो जाएगी जीरो, और टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो, तो वी इज इक्वल टू वी मैक्स, और वी मैक्स तुमको पता ही है वी मैक्स कितना है, एफ आर ओवर बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसा वाला ग्राफ होता है, अगर तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा याद हो, इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा, ये मैक्सिमम स्पीड है, इनिशियली जीरो, ऐसे करके आता है, ये ग्राफ हो गया। अब थोड़ा सा और सिचुएशन को बदलते हैं। ठीक है, ग्राफ तो बना लिया होगा, ग्राफ को मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं ग्राफ को तो मिटा देता हूँ। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, ये थोड़े से टफ केसेस है, लेकिन ये भी एक बार देख लोगे अच्छे से तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा ये एकदम। जैसे मान लो सेकंड केस की मैं बात करूं, सेकंड केस अगर मैं तुमसे कहूं, एक ये रेजिस्टेंस इधर है, एक रेजिस्टेंस ये इधर है, ठीक, और यहाँ पे ये वायर है, ठीक है, इसको एफ से लेके जाओ। ठीक है, इस बार ना दो रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में, एक है आर वन एक है आर टू, तो सब कुछ वही रहेगा, R इक्विवेलेंट केवल चेंज हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इन दोनों का पैरेलल आएगा, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, और किसी भी टाइम पे इसकी भी स्पीड लिखनी है, ये t इक्वल टू जीरो पे इसकी स्पीड जीरो है, कुछ देर के बाद इसकी स्पीड जब टाइम t पर v हो जाए तो कितनी हो जाएगी, तो बिल्कुल वही रेजिस्टेंस दो हो गए, इसलिए उनका पैरेलल निकालना है, पैरेलल में हैं ये दोनों, बाकी एकदम वैसे ही लिख देना v इक्वल टू उसी से, दिस इज आर एफ आर इक्विवेलेंट ओवर बी स्क्वायर एल स्क्वायर वन माइनस ई ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर एम इंटू आर इक्विवेलेंट इंटू टी, बिल्कुल वैसे ही डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, सेम एक और केस ले रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही, अगर तुम उसको भी देखो जैसे ऐसे भी पूछ लिया, तीसरा केस ही बना ले रहे हैं, मान लो ये रेजिस्टेंस और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस, ये वायर ले लिया, ठीक है, t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी होगी जीरो, इसका मास m, लेंथ l, ठीक है, mg की वजह से नीचे आएगा, वो कांस्टेंट फोर्स mg लगा हुआ है, ये अपना मान लो r1 और ये r2, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरीके से होगा तो फिर वेलोसिटी इधर आ जाएगी। ठीक है,
तो फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है, तो करंट ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो आई एल क्रॉस बी फोर्स ऊपर लगे। सावधानी से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही लेनी है जैसे केस वही बने, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है इसीलिए मैं उस केस से इसको कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक। ये नीचे आएगा, नीचे मूव करेगा, नीचे मूव करेगा तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स बढ़ेगा, और इससे एसोसिएटेड फ्लक्स बढ़ेगा तो अंदर की तरफ फ्लक्स है जो कि बढ़ रहा है, ये लूप रहा, ठीक है। इससे एसोसिएटेड फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स अंदर की तरफ, तो इसका फ्लक्स किधर आए, बाहर। तो ऐसे करके करंट आएगा ना इस लूप में। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे बस फोर्स चेंज हो गया है, फोर्स हो गया एम जी और आर हो गया है आर इक्वलेंट, तो वही आर वन आर टू ओवर आर वन प्लस आर टू, तो बिल्कुल सब कुछ वही। वी इक्वल्स टू एफ की जगह एम जी आर इक्वलेंट बी स्क्वायर एल स्क्वायर वन माइनस ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर एम आर इक्वलेंट टी, सब कुछ वैसे ही बिल्कुल, ठीक है। तो अगर ऐसा केस बने तो इसे ऐसे देख लोगे, देख लो ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही कंपेयर करके मैंने लिखा है। ठीक है, देखो ये सब हो गए, ये एक जैसे थे, कोई सा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मेडिकल में तो नहीं पूछा जाता है, जेई में पूछ लिए जाते हैं ये केसेस, ठीक। देखो और ये बहुत ज़्यादा पूछा गया, और इसमें मैंने ये लिया, ये कैपेसिटर सी, और यहाँ अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है, टी इक्वल्स टू जीरो, बी इक्वल्स टू जीरो, एफ लगाया, दिस इज एक कांस्टेंट फोर्स लगा के लेके जा रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स लगा के लेके जा रहे हैं। इस बार कैपेसिटर है रजिस्टर की जगह, तो क्या करेंगे, ठीक है। देखो करंट तो आएगा इसमें, ठीक है, कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा, करंट इसमें चार्ज फ्लो करेगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब मैं तुमसे कहूं कि अगर वहां से देखा जाए तो तुमको फिर से इसमें बताना है कि इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, ठीक है। इस बार कैपेसिटर है, फोर्स कांस्टेंट लगाया, टी इक्वल्स टू जीरो पे वेलोसिटी अपनी है जीरो, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चे को टफ लगता है लेकिन आसानी से कर लेंगे। देखो क्या करना है, सुनो, देखो अगर देखा जाए तो ये कंडक्टर, इसमें एक मोशनल ईएमएफ आएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ से एफ नेट इक्वल्स टू एफ माइनस एफ एम, ठीक है। अब एफ एम क्या होता है, दिस इज बी आई एल, ठीक है, और आई कैसे लिखा जाएगा, आई लिखा जाएगा डी क्यू ओवर डी टी से, ठीक है। और क्यू कैसे लिखा जाएगा, दिस इज सी वी, तो क्यू इज इक्वल टू सी, और वी क्या है, वी इज द मोशनल ई एम एफ, दिस इज मोशनल ई एम एफ। कैसे, जब तुम इसको आगे बढ़ाओगे तो ये ई कहानी बन जाएगी, एंड दिस इज वी, और वही वी यहाँ आ जाएगा तब, ठीक है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस मोशनल ई एम एफ तो वही बी वी एल होता है, ठीक है। तो अगर I लिखा जाए तो I इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी से, तो I कितना आ जाएगा, C बी एल डी वी ओवर डी टी, ये I आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना बनेगा, जो अपोजिट होगा इस डायरेक्शन में, एफ एम लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एफ एम कितना आएगा, B इंटू सी बी एल, दिस इज एफ एम इज इक्वल्स टू बी इंटू एल, आई की वैल्यू ये रखो, सी बी एल एंड डी वी ओवर डी टी, दिस इज एफ एम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर सी डी वी ओवर डी टी, ये आ गया।
इसको यहाँ मैं रख देता हूँ, एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए एफ माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी इंटू डी वी ओवर डी टी, ए हो जाएगा इधर करो तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा एफ ओवर एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ये कई बार एक्सेलरेशन पूछा गया है, सारी चीज़ें देखो ध्यान से कैसे करके मैंने करंट निकाला, करंट कैसे निकाला, देखो करंट तो फ्लो होगा इसमें, चार्ज फ्लो होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही करंट कहलाएगा। तो इस बात को समझो वो करंट कैसे दिया जाएगा, आई इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी से। क्यू कैसे दिया, क्यू इक्वल टू सी वी, पता है कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज यहाँ होगा सीधे सीधे ये बैटरी इसके पैरेलल में बन जाएगी, तो इसके अक्रॉस भी वही वोल्टेज आएगा जो इसका होगा, ये इमोशनल ईएमएफ है तो वी वी एल हो जाएगा, तो आई इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी हो जाएगा। क्यू की वैल्यू रख दो, ये चुपचाप उठा के यहाँ रख दो, ये अपोजिंग फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ डेवलप होगा वो वाला आ गया। अब एक्सेलरेशन कितना होगा भैया, नेट फोर्स 10 इधर 2 इधर, 10 इधर 2 इधर, तो 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 इक्वल्स टू, 10 माइनस 2 इक्वल्स टू एम ए, तो कर लो ऐसे, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज कॉन्स्टेंट, दिस इज कॉन्स्टेंट। अगर तुमसे कहा जाए ये फोर्स लगाते हुए टी टाइम में कितना ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय वायर इन टी टाइम, तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, यू तो जीरो इनिशियल, क्योंकि फोर्स अगर पूरा कांस्टेंट है, ये एफ कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट, तो एक्सीलेशन कैसा हो गया कांस्टेंट, तो दिस इज हाफ एफ ओवर एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, टी टाइम में इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है ना, देखो ये थोड़े स्पेशल केसेस बताए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनको मिटा देते हैं, और केसेस देखो, देखो क्वेश्चन, मान लो अपने पास ये दो कंडक्टर हैं और ये बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये इधर जा रहा है 4 मीटर्स पर सेकंड से, ये 2 मीटर्स पर सेकंड से, और सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है मान लो 2 मीटर, ठीक, ये मान लो 10 ओम है, इसका रेजिस्टेंस मान लो इसका भी 10 ओम है और इसका भी 10 ओम है, ठीक है, करंट इन आर बताना है, आई ये आर है, आर इज इक्वल टू 10 ओम, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ध्यान से, इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है, इन दोनों में मोशनल ईएमएफ आएगा, तो डायग्राम देखो कैसे बन जाएगा, डायग्राम में एक रेजिस्टेंस ये, इसमें ये इधर जा रहा है, तो देखो वी क्रॉस बी, इसका वोल्टेज आएगा नीचे ऐसे, पॉजिटिव वाला इधर आएगा ऐसे, इसमें आओ, इसमें वी क्रॉस बी, तो वी क्रॉस बी इसमें आएगा ऊपर ऐसे। अब इनकी वैल्यू निकाल लो, इसमें मोशनल ये पहला वाला वायर मान लो और ये दूसरा वाला, तो E1 कितना आएगा, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए E1 और इसको मान लो E2, E1 कितना आएगा BBL से, B की वैल्यू मैं दे रहा हूँ, B जो 2 टेस्ला, ठीक है, तो 2 वेलोसिटी कितनी 4 और लेंथ कितनी 2, तो कितना आया 16 वोल्ट, सही है। ऐसे ही अगर E2 निकाला जाए इसका, तो ये कितना आएगा BBL से 2, वेलोसिटी 2, लेंथ 2, ठीक है ना 8 वोल्ट, ठीक है, तो ये मिल गया 16 वोल्ट। अच्छे क्वेश्चन है, इनको समझ लेना, ऐसे ही क्वेश्चन करने होते, अब इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन बन जाएगा ये, दिस इज 8 वोल्ट, ये वाला रेजिस्टेंस 10 ओम
और ये भी 10 ओम, और ये तो 10 ओम है ही। तो एक बात समझने की कोशिश करो, ये दोनों ना अपोजिंग सेल बन गए। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो डायग्राम कैसा बन गया, ऐसे एक ये और दूसरा, रेजिस्टेंस तो ऊपर नीचे कहीं भी बना सकते हैं, एक ये ठीक है, और इसके बाद रेजिस्टेंस ये वाला बाद में बना लो, 10 वाला अकेला है जो। अब ये दो सेल कैसे हो गए, अपोजिंग सेल हो गए, ठीक है। चाहे जंक्शन लॉ लगा दो करंट निकालने के लिए, चाहे सेल वाला, तो सेल वाला क्या होता है, ई इजिक्वल्स टू ई वन आर वन माइनस ई टू आर टू ओवर आर वन प्लस आर टू, ठीक है। ई वन आर वन कितना, 16 इंटू 10 माइनस ई टू आर टू कितना, 8 इंटू 10 ओवर 20, तो ये कितना बना, 10 कॉमन लेके कट कर दो तो 16 माइनस 8 कितना, 8, और 8 डिवाइडेड बाय 2 4 वोल्ट आ जाएगा, 160 माइनस 80 80, ठीक है, तो 4 वोल्ट आ गया। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसे ये कितना 4 वोल्ट, ये R इक्विवेलेंट मान लो, R इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, इन दोनों के पैरेलल से, अगर तुम लोगों को याद हो R इक्विवेलेंट इन दोनों के पैरेलल से आता है, तो 10 और 10 का पैरेलल कितना आ जाएगा, 5 ओम, ठीक है। कैसे निकला, 10 इंटू 10 ओवर 10 प्लस 10, सेल कॉम्बिनेशन से करा रहा हूँ, अगर किसी को याद नहीं आए तो जाके सेल कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक चुपचाप देख ले, मुझसे बिल्कुल पूछने की ज़रूरत ना करे वो। आई तो ये वाला आई कितना आ जाएगा, तो आई इज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज कितना, 4, टोटल रेजिस्टेंस 10, और ये वाला 10 और 5 15 सीरीज में है ना, ये करंट आ जाएगा। तुम किसी में भी करंट भी निकाल सकते थे, ये मैंने जिसमें पूछा, देखो इसको ध्यान से, ठीक है, सिंपल, जो भी जैसी बैटरी ये बने वैसी बैटरी बना लो, जैसी बैटरी ये बने वैसी बैटरी बना लो, फिर तो इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी वाले सारे कंसेप्ट वैलिड हैं, प्यार से लगाओगे बिल्कुल, ठीक है। मिटा दूँ, देखो मेरे पास दो कंडक्टर आएंगे, ये मान लो 19 ओम है, इसका रेजिस्टेंस मान लो 2 ओम है, इसका भी 2 ओम है, ठीक है। ये ए, ये पहला वायर, ये दूसरा, ठीक है, ये मान लो 4 मीटर, ठीक है। पहले मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर मूविंग अलोंग राइट विद 2 meters per second। तो निकालना है करंट इन 19 ओम, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड दे दे रहा हूँ मैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हर जगह, बिना मैग्नेटिक फील्ड के तो कुछ होना नहीं है। बी इक्वल्स टू 4 टेस्ला, ठीक। अब देखो दोनों इधर जा रहे हैं, दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल तो ऊपर ही बनेगा, ऐसे ऐसे बन जाएगा, फिर से सेल कॉम्बिनेशन से करेंगे, तो मान लो ये E1 और ये E2, इस बार तो E1 E2 बराबर ही हैं, इस बार E1 E2 कैसे बराबर, तो BBL से आ जाएगा, B कितना 4, वेलोसिटी कितनी 2, लेंथ कितनी 4, 32 आ गया वोल्ट, तो ये भी 32 और ये भी 32, ठीक। इसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, इसका भी 2 ओम। अब ई इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं,
पैरेलल में सेल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट क्या है, ई वन आर वन प्लस ई टू आर टू ओवर आर वन प्लस आर टू। ई वन आर वन 32 into 2 प्लस 32 into 2 ओवर 4, ठीक है, चार से काटो 8 आएगा, चार से काटो 8, 16 और 16 32 हो जाएगा, 32 वोल्ट आ गया। इक्विवेलेंट भी अब R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट तो इन दोनों का पैरेलल है तो पैरेलल तो 1 आ जाएगा। फिर ये डायग्राम कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, ये डायग्राम ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, केवल एक बैटरी और एक ये रेजिस्टेंस और एक ये 19, 1 और 32। ये करंट कितना आएगा, करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, I इज इक्वल टू 1.6 एम्पियर। आई बात समझ, कैसे करेंगे देखो, ठीक है, पुराने वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता उसका भाई है ये, बिल्कुल पुराने जैसे क्वेश्चन था, दोनों एक जैसे ही थे लगभग। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं और ध्यान से समझना वो क्वेश्चन भी। देखो मान लो ये कुछ कहानी ऐसी, यहाँ पे दो अपने पास हैं कंडक्टर, ठीक है, ऐसे और ये मानो एक स्विच है, ठीक है, दिस इज स्विच, ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, और यहाँ पे है एक वायर और यहाँ हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अपने पास हर जगह है, ठीक है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सही है। ये मान लो 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इसे इधर लेके जा रहे हैं 4 मीटर्स पर सेकेंड से इस वायर को, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो 2 टेस्ला है। पहला केस, इफ स्विच इज एट पोजीशन 1, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है मान लो 10 ओम, देन करंट इन 10 ओम, तो देखो I इक्वल टू क्या होगा, BBL ओवर R, B कितना, मैग्नेटिक फील्ड कितना, 2 टेस्ला। भाई सिंपल, ये सर्किट ऐसा बन जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे और ये लूप ऐसे, और ये कंडक्टर इतना काम आएगा जो लूप में है काम का, ठीक है, BBL जो लूप में है कंडक्टर, बस वो कंडक्टर काम आएगा, ठीक है। तो इसमें लेंथ कितनी लेनी है, B, वेलोसिटी कितनी 4 और लेंथ कितनी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस कितना 10, तो करंट कितना आया पहले केस में, 4 × 8 × 16, 16 mA ये आ जाएगा। दूसरे वाले एक ही करंट है, ठीक है, डायरेक्शन भी बतानी है तो डायरेक्शन बता लो, इसको आगे बढ़ाओगे तो इस लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स बढ़ेगा, इससे एसोसिएटेड तो अपोज होगा, बाहर आएगा, ऐसे आएगा करंट ऐसे। सेकंड केस, इफ स्विच इज एट पोजीशन 2, यहाँ हो स्विच, तो डायग्राम कैसा बनेगा, ये बिल्कुल ये ऐसे करके नीचे से ले लो, नीचे से पूरा लूप, ये कंडक्टर ऐसे, ये कंडक्टर की ये वाली लेंथ आएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस बार करंट कितना आएगा, BBL कुछ नहीं बदला, V केवल लेंथ बदली, जो 2 थी अब वो 4 हो गई, तो अंतर देख लो बहुत ध्यान से,
ये एक तरीके से 32 मिली एम्पियर करके इस करंट को लिख सकती हूँ, ठीक है। जब यहाँ था स्विच तो ये था लूप ये वाला, तो इसलिए इतना पार्ट लिया गया केवल, ये आउटसाइड है लूप से, इससे कोई मतलब नहीं, ये कंडक्टर है अपने काम का जो लूप में होगा। सेकंड वाले लूप, ये लूप रहा सेकंड वाला, ये लूप है, इसमें पूरा कंडक्टर है, तो इसलिए 4 सेंटीमीटर उसकी लेंथ ले ली। पहले में ये वाला, तो कंडक्टर चाहे बड़ा है लेकिन अपने काम का ये था पहले केस में 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। मिटा सकते और देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन समझना ध्यान से, मान लो ये एक करंट जनरेटर है और ये करंट आई प्रोड्यूस कर रहा है और यहाँ पे हैं दो लूप, मान लो दो वायर हैं, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड परफेक्टली एकदम अंदर की तरफ अपने पास है, ठीक है। दो आइडेंटिकल वायर हैं बिल्कुल, इसका भी रेजिस्टेंस आर, इसका भी रेजिस्टेंस आर, इसकी भी लेंथ एल, उसकी भी लेंथ एल, ठीक। ये है, अब इसको कांस्टेंट स्पीड से इधर ले जा रहे हैं, वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, करंट की डायरेक्शन को इधर मान लेते हैं, कहीं भी मान सकते हैं वो कोई दिक्कत नहीं, अपने तो क्वेश्चन कर रहे हैं तो कोई भी डायरेक्शन मान सकते हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं अभी वही मान लेते हैं। ये जो है ऐसे करंट आ रहा है, अब करंट निकालना है, दिस इज द करंट जनरेटर और ये कांस्टेंट करंट आई प्रोड्यूस करेगा, दिस इज करंट जनरेटर, करंट जनरेटर, ठीक है। कुछ भी हो इस आर्म में करंट चेंज नहीं होगा, आई ही रहेगा, ठीक है। अब पूछा क्वेश्चन कि फाइंड आउट करंट इन, ये पहला वायर, ये दूसरा, ये फिक्स है, दिस इज फिक्स, करंट इन फर्स्ट, पहले वायर में तुमको करंट निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ध्यान से समझना, करंट जनरेटर है तो ये थोड़ा बच्चे को पका देता है, इसलिए उसको बचाया हमने और हमने कहा रुको तुम इधर देखो, तुम केवल ऐसे देखो और इसको तुम ऐसे देखो, और वी क्रॉस बी से ये बैटरी की तरह काम करेगा, ऐसे बैटरी बन सकती है, बोलो, ठीक है। यहाँ से करंट आई आया, इसमें मान लो आई बन गया, इसमें मान लो आई टू गया, ठीक है। ये पॉइंट ए और ये बी, तो यही ए और बी, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो बराबर होगा, पैरेलल में है भाई, दोनों वायर कैसे दिख रहे हैं, दोनों रेजिस्टेंस वाले ये कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा वी ए माइनस आई वन आर इज इक्वल्स टू वी बी, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू आई वन आर, ठीक है। आई वन पहली इक्वेशन, दूसरे वाले के लिए बनाओ, दूसरे वाले के लिए क्या आएगी, वी ए, यहाँ से लगाओ ऐसे करके के मिल, वी ए माइनस, और ये कितना आएगा वोल्टेज, वी स्पीड से लेके जा रहे हो, ये आएगा बी बी एल, वी ए माइनस से प्लस जा रहे हो, बढ़ रहा है बी बी एल, ठीक है, और माइनस का आई टू आर इक्वल्स टू बी बी, तो वी ए माइनस वी बी कितना आ गया, आई टू आर माइनस बी बी एल, ये दूसरी इक्वेशन आई। इन दोनों को तो बराबर कर सकते हो, ये पोटेंशियल डिफरेंस तो बराबर है, तो बराबर कर लो, तो देखो आई वन आर इज इक्वल्स टू आई टू आर माइनस बी बी एल, ये आ गया। अब ये काम, ये जंक्शन लॉ से कह सकते हैं, ये जो करंट आई है वो आई वन और आई टू के सम के बराबर है, तो पहली इक्वेशन तो है ही आई इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू, तो प्यार से ये दो इक्वेशन देखने लगी। अब आई वन की वैल्यू पूछी, कहा जो फिक्स वाला है उसमें करंट बताओ, फाइंड आउट द करंट इन फर्स्ट, ठीक है। तो एक काम करो आई टू हटा दो, तो देखो यहीं पे आर से मल्टीप्लाई करके आई आर इज इक्वल्स टू आई वन आर प्लस
आई टू आर दोनों इक्वेशन देखने लगे, ये कर लो माइनस, ये कर लो माइनस, ये माइनस, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से आया माइनस का आई आर, प्लस का आई वन आर, माइनस का आई वन आर, माइनस का वी वी एल। आई वन आर उधर कर लो और इसको इधर कर लो, तो टू आई वन आर इज इक्वल्स टू आई आर माइनस वी वी एल। तो आई वन कितना आया, आई आर माइनस वी वी एल ओवर टू आर, ये करंट आया। बिल्कुल ऐसे ही प्यार से बिना डिले के हुए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे, ठीक है, बिल्कुल टफ नहीं लगेगा तुमको, और कोई भी काम इसमें टफ है भी नहीं, सच बता रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। फिर से मैं बता दूँ मैंने क्या किया भाई, इसमें जो वोल्टेज आया, ये रेजिस्टेंस आई, ये फिक्स है, यहाँ से करंट ये आई रहेगा, इसमें अपनी तरफ से आई वन मान लो, आई टू मान लो, आई वन आई टू पैरेलल में, वोल्टेज बराबर, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है दोनों में, बी पॉइंट ये, बी पॉइंट ये, ए ये तो ए, दोनों के लिए लिखो बराबर करो, जो इक्वेशन दी है करंट जंक्शन लॉ की वो लगाओ। हो गया प्यार से, अब देखो देखो एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। मान लो ये करंट जनरेटर है और ये एक करंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक, यहाँ एक वायर है, t इक्वल्स टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो, एंड दिस इज फ्री, सब कुछ फ्रिक्शनलेस, ठीक है, कहीं पे फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो तुमको बताना है इसमें कि ये जो करंट है ऐसे घूम के आएगा इस लूप में, मैग्नेटिक फील्ड तो ले ही लेते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, ठीक, ये करंट आया ऐसे घूम के आएगा, इस पे लगेगा फोर्स, ठीक है, तो जो फोर्स लगेगा उस फोर्स के कारण फिर ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा, तो इस पे लगेगा फोर्स, और वो फोर्स लगने के कारण तुम्हें स्पीड इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम बताना है, स्पीड इज द फंक्शन ऑफ टाइम, ये बताना है। तो देखो कितना आसान, ये जो आई है इधर घूम के ऐसे आई आ जाएगा, अब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक में फोर्स किधर लगेगा, देखो आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी इधर लगेगा तो इधर जाने लगेगा, और फोर्स कितना लगेगा, बी आई एल, तो मैं कहूँगा फोर्स लगेगा बी आई एल, तो फोर्स बी आई एल, ठीक है, एल तो वही है ना, एल तो ये ले लो। अब एक्सीलरेशन कितना आएगा, बी आई एल, मास वायर का मास एम है, ठीक है, तो ये एक्सीलरेशन कैसा है, देखो कांस्टेंट करंट जनरेटर, तो आई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, तो ये एक्सीलरेशन कैसा हो गया, कांस्टेंट, तो वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं, वी इज इक्वल्स टू यू जीरो बी आई एल ओवर एम इन टू टी, तो वी इज इक्वल्स टू बी आई एल ओवर एम इन टू टी, प्लॉट करवाया तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी द फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसे करके इसको करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखो अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास ये मान लो एक करंट जनरेटर, तीन क्वेश्चन करा दे रहा हूं करंट जनरेटर के, जिससे तुमको क्वेश्चन मिले तो तुम्हें ये ना लगे कि सर ने कराया नहीं था, ठीक है। देखो मास एम, लेंथ एल, रेजिस्टेंस आर, ठीक है, और ये करंट कांस्टेंट करंट आई प्रोड्यूस, आई जी जब भी लिखूंगा तो करंट जनरेटर होगा, ठीक है। तो समझो इनिशियली फ्री है बिल्कुल, और ये वर्टिकल रखा गया है, दिस इज वर्टिकल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एकदम इसके प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है, एंड दिस अरेंजमेंट इज, दिस इज वर्टिकल अरेंजमेंट, वर्टिकल अरेंजमेंट, ठीक है। तो भाई इसका वेट mg नीचे लग रहा होगा, तो कुछ मैग्नेटिक फोर्स भी होगा, अच्छा मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा,
दिस इज आई, तो आई एल क्रॉस बी, इधर से ले लो करंट, ठीक। तो ये करंट कांस्टेंट आई है, मुझे इससे, मेरी कंडीशन ये है कि इनिशियली दिस वायर इज ए बी, इज इन इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम में इनिशियली था किससे, किसकी वजह से इक्विलिब्रियम में था, सोचो। मतलब इसका जो वेट mg है ना, उस mg को कैंसिल आउट कर रहा होगा करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मींस मैग्नेटिक फोर्स जो उस पर लगेगा इनिशियली, ठीक है। तो इनिशियली ये पहले से इक्विलिब्रियम था, ये सेटअप बनाया गया कि इनिशियली ए बी इज इन इक्विलिब्रियम, ये तुम्हें क्वेश्चन में बात मैंने बता दी, ठीक है। तो कंडीशन क्या बनी, देखो आई एल क्रॉस बी, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर और एम जी नीचे, तो मैं कहूँगा एम जी इज इक्वल टू बी आई एल, ये हो जाएगा इनिशियली। फिर कहा इस वायर का मास डबल कर दिया, अब क्वेश्चन सुनो, इफ मास ऑफ वायर इज डबल, फाइंड टाइम टेकन टू वायर टू कवर द डिस्टेंस इक्वल्स टू इट्स लेंथ, इसके लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करने के लिए, ठीक है। देखो पहले तो ये इक्विलिब्रियम में था, ये था, अब तुमने मास किया डबल, जब मास तुम डबल करोगे तो इधर कितना लगेगा 2mg, ऊपर तो कितना ही लगेगा, वो तो मैग्नेटिक फोर्स है भाई, करंट तो चेंज किया नहीं, तो वो तो BIL ही लगेगा। तो एक बात समझो, तो एक्सीलरेशन कितना आएगा, एक्सीलरेशन होगा 2mg माइनस मैग्नेटिक फोर्स कितना डिवाइडेड बाय मास कितना, भाई एक्सीलरेशन क्या होगा, फोर्स, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, मास कितना चल रहा है इस बार 2m, तो एक्सीलरेशन कितना आ गया 2mg माइनस BIL को क्या लिखूंगा मैं, mg डिवाइडेड बाय 2m, तो ये आ गया mg डिवाइडेड बाय 2m, तो एक्सीलरेशन इसका कितना आ गया g बाय, ये एक्सीलरेशन आ गया। अब ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो कितनी डिस्टेंस कवर करानी है, तो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, ठीक है, यहाँ से रिलीज किया ना, तो s इज इक्वल टू कितना, इसकी लेंथ के बराबर, दिस इज हाफ a कितना g बाय 2 एंड टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4l ओवर g रूट में, बाहर निकालना है तो 4 को बाहर निकाल, इतने टाइम में वो इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। देखो ध्यान से, मास को डबल किया तो सीधी बात है, अब तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, नीचे फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, नीचे फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें से कम करो, ये एक्सीलरेशन आएगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, मास तो 2m चल रहा है, वैल्यू रख लो, सॉल्व कर लो। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझको तुमको बताने थे, अब तुम ये सब क्वेश्चन करते रहना। अब आता है मोशनल EMF ड्यू टू रोटेशन, ठीक है, एक कंडक्टर ले रहे हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। तो मोशनल EMF ड्यू टू रोटेशन ऑफ रॉड, डायरेक्ट कई बार पूछा गया है इसका जो एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, आगे के केसेस तो जो भी होंगे, लेकिन कई बार जो भी पूछा जाएगा, यहाँ जो एक्सप्रेशन आएगा वो डायरेक्ट कई बार पूछा गया, उस पर कई बार न्यूमेरिकल भी पूछा गया सीधे सीधे। देखो मैंने क्या किया, मेरे पास एक रॉड है, इसको यहाँ हिंज कर दिया, दिस इज यहाँ पे हिंज कर दिया, और इसको इसके इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, और थ्रू आउट द रीजन मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, ठीक है, एकदम परपेंडिकुलर हर जगह है, और परपेंडिकुलर है अंदर की तरफ, ठीक है। अब तुम देखो ऐसे घुमाएंगे, मान लो इसकी लेंथ है L, अब हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि देखो भाई होगा तो इसकी मोशन के कारण ही, कंसेप्ट तो वही लगेगा BBL वाला ही, लेकिन BBL को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके समझदारी से लगाना है,
हर जगह इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। ये जो कंडक्टर है ना, इसकी स्पीड VBL में मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो गया, इसकी लेंथ चलो कांस्टेंट है लेकिन हर जगह मैग्नेटिक फील्ड को वो हर जगह इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो अगर इस पार्ट को देखो तो ये इधर जाएगा B से, दूर आओगे तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, V = r ओमेगा लगेगा, V = r ओमेगा। तो हर एक पार्ट की लीनियर स्पीड अलग अलग होगी जैसे जैसे तुम एक्सेस से जितना दूर जाओगे। तो इस वजह से तुमको समझदारी से इसमें लगाना होगा इंटीग्रेशन। तो x पे जाके एक dx लेंथ का एलिमेंट मान लो, ठीक है, ये मान लिया dx लेंथ का, और इसकी स्पीड अपनी तरफ से कुछ v मान लो, ठीक है, ये dx विथ का मान लिया। तो इसका मोशनल ईएमएफ कितना होगा? तो इसका मोशनल ईएमएफ होगा BV, और इसकी लेंथ कितनी? एलिमेंट की dx, तो BBL आ गया। V की जगह लगाओ x ओमेगा, तो उससे रिलेटेड आ जाएगा। अब टोटल ईएमएफ इंटीग्रेशन ऑफ DE से आएगा, तो B ओमेगा कांस्टेंट है, x dx इंटीग्रेट 0 से L लगा, तो लिमिट्स पहला एलिमेंट यहाँ आखिरी यहाँ, तो E = कितना आ जाएगा? x²/2 लिमिट्स लगाओगे, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसमें हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल देख लो कि हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल कौन सा होगा, ठीक है, हायर पोटेंशियल कौन सा होगा और लोअर पोटेंशियल कौन सा होगा। तो देखो भाई V और मैग्नेटिक फील्ड अंदर V क्रॉस V, हायर पोटेंशियल ये होगा, तो मान लो ये सेंटर और ये पॉइंट है, तो VC - VA = ½ B, खाली वैल्यू नहीं लिखनी है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल भी लिखना आना चाहिए, वो आएगा V क्रॉस V से, V और V, V क्रॉस V, सारे पॉजिटिव चार्ज इधर जाएंगे, ये पॉजिटिव एकुमुलेट कर लेगा, ये नेगेटिव, तो हायर पोटेंशियल है ये वाला है जिस पॉइंट को हिंज किया, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। तो रोटेशन के कारण ऐसे आएगा। अब देखो अगर मैं तुमसे कहूँ इसके कुछ केसेस हैं उनको पहले समझ लेते हैं। मान लो मैंने इसको बीच में हिंज कर दिया, ये मान लो L/2, ये भी L/2, सेंटर ए बी, वी ए माइनस वी बी बताओ, यहीं पे कर लेना है, वी ए माइनस वी बी बताओ। जब भी वी ए माइनस वी बी पूछा जाए तो शॉर्टकट मत मारना, ठीक है, कि पूरी लेंथ एल है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, और इसको मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में बना देता हूँ, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, हर जगह है, ठीक है, इससे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, और इसको ऐसे घुमा रहे हैं ओमेगा से, बिना घुमाए तो आना नहीं है। तो शॉर्टकट मत मारना, तुमको लगे कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस है एल, तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर डायरेक्ट लगा दो, हमेशा वो जो निकाला है दैट इज ऑलवेज किसी एक पॉइंट और हिंज पॉइंट के बीच में होता है, ठीक है, किसी एक पॉइंट और हिंज पॉइंट के बीच में। तो देखो अगर तुम इसको देखोगे ऐसे घुमा रहे हैं, तो इधर वाला ऊपर जाएगा, इधर वाला नीचे, तो देखो V क्रॉस B इधर, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, इसमें V क्रॉस B हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, ठीक, तो मैं कहूँगा VC - VB, भाई इसके लिए लिखो हाफ, दिस इज हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, हायर पोटेंशियल कौन सा, ये वाला, तो हिंज पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच की लेंथ ले ली, वो लिख दी डायरेक्ट, ये आ गया पहला इक्वेशन। अगर मैं तुमसे कहूँ इसमें हायर पोटेंशियल कौन सा है इधर वाले सेक्शन में, तो V क्रॉस बी यही तो है, VC - VA, दिस इज वंस अगेन हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 4, ये दूसरी इक्वेशन, तो मुझे क्या VA - VB, तो इसमें से इसे कम कर दूँ, VC - VA - VC + VA, ठीक है, मैंने क्या किया, फर्स्ट माइनस सेकेंड किया समझदारी, क्यों, मुझको VA प्लस का चाहिए, VB माइनस का चाहिए, तो VA प्लस का चाहिए, तो इसमें से इसे कम करो, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो उसमें से 0 आ जाएगा,
तो किधर गया, ये कट गया, तो वी ए माइनस वी बी ज़ीरो आ गया। ज़ीरो आ जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है, ज़ीरो आ जाएगा। थोड़ा और अच्छा बना लेते हैं, बस हम एक बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, कभी भी दो पॉइंट्स के बीच में कहीं पे भी लिखा जाएगा तो एक पॉइंट हिंज पॉइंट होगा, दूसरा कोई दूसरा पॉइंट होगा, और दो कोई ऐसे दो पॉइंट्स जो कोई हिंज पॉइंट नहीं है उनको फिर सम या डिफरेंस की इक्वेशन से ही लिखना। ये नोट कर लो, याद कर लो, दिमाग में उतार लो। देखो देखो, मान लो मेरे पास ये एक रॉड है, ठीक है, यहाँ हिंज किया, ये मान लो एल बाय फोर और ये 3L/4, ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी। मैं कहता हूँ इस बार वी ए माइनस वी बी बताओ, बिल्कुल सिस्टमेटिकली सीखना, इसमें शॉर्टकट नहीं मारना बस, ठीक है। तो देखो सबको पता है इसको ऐसे ही घुमा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह किधर है, अंदर की तरफ, तो ये ऊपर जाएगा और ये आएगा नीचे, तो सबको पता वी क्रॉस बी ये हायर पोटेंशियल, तो वी सी माइनस वी बी इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, मतलब 9L/16। पहली इक्वेशन आ गई, इसमें भी वी क्रॉस बी ये हायर पोटेंशियल, तो वी सी माइनस वी ए इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा उसका स्क्वायर, तो L/16। दूसरी इक्वेशन, अब हमको निकालना वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी इसमें से कम कर लो, तो वी सी माइनस वी बी में से कम किया वी सी, तो प्लस वी ए इज इक्वल टू, हमने क्या किया, फर्स्ट में से सेकेंड को कम कर दिया, तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ आया 9/16, इवन 16 भी बाहर आ जाएगा, तो 9 में से कम क्या हुआ, 1, तो ये तो कट गया, तो क्या आया बी ए माइनस वी बी, ही तो पूछा था, तो आ गया 8 आया, 16 कट गया, तो 1/4 बी ओमेगा एल स्क्वायर। कभी भी कोई दो पॉइंट्स हो तो समझदारी से ही निकालना है, ठीक है, देख लो ध्यान से। एक और बताऊंगा फिर नहीं बताऊंगा, देखो अगर मान लो यहां पे हिंज किया और ये दो पॉइंट्स के बीच में बताओ ए और बी, ये मान लो L/3 है, ये 2L/3 है, ठीक है, वही ऐसे घुमा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर हर जगह, ए और बी के बीच में निकालो वी ए माइनस वी बी, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, डायरेक्ट तो निकालना ही नहीं है, यहीं पे डाउट आता है कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस ही हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर लगाओ, एल की वैल्यू 2L/3 लगा दो, ये लगता है ऐसा, ठीक है, तो वो करना ही नहीं। मैं तुमको बता दूँ क्या करना है, तो देखो सबको पता है हायर पोटेंशियल तो यही बन रहा है आजकल, ठीक है, हिंज वाला पॉइंट, तो हम कहेंगे वी सी माइनस वी ए, दिस यहाँ हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर डायरेक्ट लगा सकते हो, तो L/9, ऐसे ही वी सी माइनस वी बी इसमें तुम डायरेक्ट लगा सकते हो, दिस इज हाफ बी ओमेगा, इन दोनों के बीच में लगाए ना, तो L/2। अब मुझको आया वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस, तो इसमें से सेकंड माइनस फर्स्ट करो, इसमें से कम करो, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो वही चाहिए, तो वी सी माइनस वी बी, वी सी माइनस वी बी माइनस वी सी प्लस वी ए इज इक्वल टू कितना, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर कॉमन 1-1/9, ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, तो क्या आया वी ए माइनस वी बी, दिस इज 1-1/, तो 8/9, तो 8/9 का 4/9, 4/9 बी ओमेगा एल स्क्वायर, जो भी निकालना है स्टेप बाय स्टेप समझदारी से, शायद अब तो समझ आ ही गया होगा, इतने केसेस बता दिए इसमें, ठीक, अब इसमें कोई भी केस नहीं बता रहे, अब कुछ अलग केसेस ले रहे हैं, ठीक है, अब अलग केसेस अगली क्लास में लेंगे, इतना पढ़ लेना, समझ लेना और रिवाइज कर लेना, फिर मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक, बाय बाय।